नमस्कार फ्रेंड, आप सभी को यस जी एस गायत्री महाविद्यालय यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आप सभी को गोथिक कला के बारे में बताऊंगा। गोथिक कला से आप क्या अभिप्रिय हैं? 12वीं शताब्दी में उत्तर फ्रांस फ्लांड्रस तथा में विकसित शैली को गोथिक शैली कहा जाता है। गोथिक शैली का प्रथम भवन कौन सा है? गोथिक शैली का प्रथम भवन कौन सा है? तो गोथिक शैली का प्रथम भवन संत डेनिस का गिरजाघर है। प्रथम भवन संत डेनिस का गिरजाघर है, जिसका निर्माण 1229 में पेरिस में हुआ था। तो इसका निर्माण कहाँ हुआ था? तो 1229 में पेरिस में हुआ था। गोथिक शैली के भवनों में कला के कितने रूप पाए गए हैं या प्रयोग हैं? तो नंबर 1 मूर्ति कला, नंबर 2 रंगीन कला, नंबर 3 पंडालिप अलंकार। गोथिक कला के उद्गम केंद्र कौन कौन से देश में थे? तो गोथिक कला के उद्गम केंद्र फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन और इटली में थे। गोथिक शैली का आरंभ किस शताब्दी से हुआ? तो वो शताब्दी है 12वीं शताब्दी से। गोथिक शैली की आकृति कैसी होती है? तो गोथिक शैली की आकृति सामान्य से लंबी होती है। ओके फ्रेंड, ये वीडियो आपका आज का है, इसको आप नोटबुक पर कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर आ रहा है? इसे आप कॉपी कर लीजिए, क्योंकि आने वाले प्रश्नों में गोथिक कला में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है फ्रेंड्स, कॉपी कर लीजिएगा और आपको कल यस जी एस गायत्री महाविद्यालय पर कल आपको वीडियो मिल जाएगा एक और।